हेलो क्लास सिक्स, कैसे हो आप सब। आज हम ईदगाह पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। बहुत आसान है। मैं अभी आपके साथ प्रश्न उत्तर की चर्चा करूंगी, उसके बाद आप अपने आप उत्तर लिखोगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पेज नंबर 19 देखिए। पहला प्रश्न, ईद के दिन बच्चे सबसे अधिक प्रसन्न क्यों हैं? ईद के दिन बच्चे सबसे अधिक प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि पहले तो वह ईद का दिन था और बच्चे तैयार होकर नमाज अदा करने शहर जा रहे थे। बच्चे तैयार होकर नमाज अदा करने शहर में जा रहे थे जहाँ मेला भी लगा हुआ था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, हमीद कौन है, उसके पास कितने पैसे हैं? हमीद एक 4-5 साल का गरीब लड़का है, उसके पास 3 पैसे हैं। ईद किसके बाद आती है? किसके बाद आती है? रमज़ान के बाद आती है। किसके बाद आती है? रमज़ान के बाद। ईद रमज़ान के बाद आती है। नमाज पढ़ने के बाद सब कहाँ गए? नमाज पढ़ने के बाद सब मेले में गए। कहाँ गए? मेले में गए। अगला प्रश्न, नूरे को किससे प्रेम था? नूरे को वकील से प्रेम था। याद है ना, मैंने बताया था नूरे ने अपने वकील खिलौने वकील को बिठाने के लिए बांस गाड़ के एक जगह बनाई और वो पंखा जैसे ही झेलने गया तो वो पूरा मिट्टी ही बन गया। तो नूरे को किससे प्यार था? नूरे को वकील से प्यार था। बच्चों ये आप अपने कॉपी में लिखोगे, लिखकर स्कूल के द्वारा जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस तरह से आप इसको लोड करोगे। लोड करके ये मेरे नाम पे लोड करोगे। जब आप डालोगे करेक्शन के लिए अपना, अपने क्लास वगैरह के साथ सारे डिस्क्रिप्शन के साथ मेरा नाम दोगे ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।